आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा सातवें आसमान पर है। गुस्से से लोग आग बबूला है और एक ही मांग है कि अब शहादत का हिसाब किताब कर दो, अब तो इनका सफाया ही कर दो, अब पाकिस्तान को मत छोड़ो। इस गुस्से में एक सवाल भी है कि आखिर पाकिस्तान की कायराना हरकतों का खामियाजा कब तक भुगतेंगे, कब तक और कब तक इस तरह के कायराना हमले को झेलेंगे। क्या दिल्ली, क्या देहरादून, क्या मुंबई और क्या कोलकाता, शहर दर शहर आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ खून उबल रहा है। पूरा भारत अपने जाबाजों की शहादत का बदला मांग रहा है। छोटे से लेकर बड़े, जवान से लेकर बुजुर्ग, सभी के जहन में गुस्सा है। पाक के पालतू आतंकियों ने हिंदुस्तान को जो जख्म दिया है उसका हिसाब चुकता करने की मांग हर ओर से उठ रही है। आवाज एक ही सुनाई दे रही है, हिसाब किताब बस कर ही दो। दिल्ली के राजपथ की ये तस्वीरें देखिए। बड़ी संख्या में अपनी बाइक पर सवार युवकों ने आतंक के खिलाफ हल्ला बोला। ये कुछ लोग हैं जो कि राइडर्स ऑफ द स्टॉर्म के पार्ट है। आज इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से आकर अपनी बाइक्स पर राइड कर इंडिया गेट पर कैंडल मार्च कर ये ही संदेश दिया है। जवानों को तो मैं इतना ही कहूँगा कि थैंक यू। हम रात को यहाँ पर सोते हैं और आप अपनी हड्डियाँ गलाते हैं -40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, उसी लिए हम यहाँ पर आराम से चैन से सो पाते हैं। हम सब उनके साथ पूर्ण रूप से उनके पीछे हैं और जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि हम लोग 40 मार्टर्स की जो लिस्ट है, हम लोग सबके लिए डोनेशन इकट्ठा करके हमारे ग्रुप्स डिफरेंट स्मॉल ग्रुप राइड पे जाएंगे एंड वी विल कलेक्ट व्हाटएवर डोनेशन दैट वी गेट। अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे लोग गम में डूबे हैं। कह दिया है, जनता ने ऐलान कर दिया और सरकार के साथ है पूरी जनता। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जवानों को पूरी छूट दे दी है, वैसे ही सभी लोग, सभी जनता, आम आदमी एकजुट हो चुका है। बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, अमीर क्या, गरीब क्या, भाषणबाजी और बातों में और व्हाट्सएप बाजी करके हमारे देश का कल्याण नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहेंगे, अगर कृति करने तो पहले घर में करनी चाहिए। यह गुस्सा बच्चों में भी उतना ही है जितना बड़ों में। स्कूल में पढ़ाई करने वाले अब सड़क पर उतर रहे हैं और देश के लिए एक होकर मांग कर रहे हैं बदला, बदला और बदला। अगर उसमें ताकत है तो सामने की लड़ाई लड़ो। जब देखा कि हिंदुस्तान में क्या ताकत है, पीछे से तो चोर चोरी भी करता है। अपने दादा मांडू की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर मैं आज फौज में होता ना तो मैं सबसे पहले अपने देश का सही गांव का शहीद में होता। अपने देश के लिए, भारत माता के लिए मरना मिटना चाहता हूँ। कुछ ऐसा करना चाहता हूँ अपने देश के लिए कि मेरा भी कहीं नाम आए। पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ जैसी नाराजगी दिख रही है, भारत में अपनी सियासत को चमकाने वाले पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी वैसी ही नाराजगी दिख रही है। अमृतसर में बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी तस्वीर पर कालिख पोत दी।